आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, तीन देश का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में भारत और डी में इनमें से कोई नहीं। जी किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है सी। जी हाँ, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। अगला प्रश्न है, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। जी हाँ, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। ऑप्शन ए मजदूरी, बी व्यवसाय, सी कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी कृषि। जी हाँ, कृषि ही बिहार के जीवन का आधार है। बिहार के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर है, इसी से अपना गुजर बसर करते हैं। अगला प्रश्न है, NSSO का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, NSSO एक संस्था है, उसका पूरा नाम क्या है? ए में नेशनल सिंपल सर्व ऑर्गेनाइजेशन, बी में नेशनल सेम्प सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सी में नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और डी में नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? जी हाँ, नई आर्थिक नीति में किसको शामिल किया गया है या किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में उदारीकरण, बी में वैश्वीकरण और सी में निजीकरण और डी में इनमें से सभी। तो मैं बता दूं, नई आर्थिक नीति भारत 1991 ईस्वी में अपनाया था, जिसमें तीनों को अपनाया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को, इसलिए इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा, जी हाँ, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है सेवा क्षेत्र। जी हाँ, आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। और अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत कौन दिया था? जी हाँ, गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत कौन दिए थे? ऑप्शन ए में रेगनर नर्स, बी में अब्दुल कलाम, सी में मार्शल, डी में कोई नहीं, अर्थात ये तीनों में से कोई नहीं। लेकिन इसका सही आंसर है ए रेगनर नर्स। जी, रेगनर नर्स ने गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है। जी हाँ, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के क्या है, डैश है? ए में जीवन शक्ति, बी में माध्यम, सी में बचत और डी में कोई नहीं, अर्थात ये तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। जी हाँ, जीवन शक्ति। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है? जीवन है, जान है, प्राण है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत, जी हाँ, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? जी किस दशक में हुआ था? ऑप्शन ए 1990 के दशक में, ऑप्शन बी 1970 के दशक में, ऑप्शन सी 1960 के दशक में और ऑप्शन डी 1980 के दशक में। इसका सही आंसर है ए, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में हुई थी। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? जी हाँ, एक हथियार से प्रतिबंधित एक बिल अंग्रेज ने पारित किया था, जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। कब पारित हुआ था? तो ए में 1883, बी में 1983, सी में 1917 और डी में 1889। इसका सही आंसर है ए 1883। जी 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन, जी हाँ, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसको काला कानून भी कहा जाता है, भारत आया था, भारत में इसका खूब विरोध हुआ था। ये कब आया था भारत? ए में 3 फरवरी 1928 में, बी में 3 फरवरी 1930 में, सी में
5 मार्च 1928 में, डी में 12 फरवरी 1922 में। उसका सही आंसर है 3 फरवरी 1928। जी हाँ, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका खुलकर विरोध हुआ था, काला झंडा दिखाकर उसका स्वागत किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना, जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। जी, तो आर्य समाज की जो स्थापना किया था उसका सही आंसर है सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर, जी हाँ, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? जी, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? ए में कबीरदास, बी में स्वामी दयानंद सरस्वती, सी में तुलसीदास और डी में इनमें से कोई नहीं। जी, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? तो इसका सही आंसर है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, टिस्को की स्थापना, जी हाँ, टिस्को एक कंपनी है, उसकी स्थापना कब हुई थी? जी, तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1907, बी में 1807 और सी में 1910 और डी में 1810। और इसका सही आंसर है ए, 1907 में, जी हाँ, 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी।